Hello friends, welcome to our YouTube channel, Ideal Coaching. Today, I am going to continue my second lecture on indeterminate form. Second lecture on indeterminate form. The form is infinitive by infinitive. यहाँ पे question लिया मैंने, limit x approaches to pi by 2 positive, log x minus pi by 2 upon 10x. यहाँ पे x अप्रोचेस टू पाई बाई टू पॉजिटिव, पाई बाई टू पॉजिटिव क्या है, पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू हो सकती है, कम नहीं होगी, बिकॉज लोग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, मोस्टली लोग के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोल रहे साइड में एक ब्रैकेट लेंगे, उसमें वैल्यू लिखेंगे, इसको सोल्व करके क्या आएगा, तो अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स को क्या रखना है, पाई बाई टू। तो यहाँ पे जब लोग के अंदर एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या बन जाएगा, लॉग जीरो। लॉग जीरो मैंने बताया क्या होगा, इन्फिनिटिव अपॉन नीचे टेन नाइनटी, टेन नाइनटी भी क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो ये फॉर्म है इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव की, मैंने उस दिन बताया था लास्ट वीडियो में कि जीरो बाई जीरो में और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या होगा, लिमिट सेम रहेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू पॉजिटिव, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव होता है लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, यानी कि वन अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस पाई बाय टू, और साथ में इस ब्रैकेट का भी करेंगे तो एक्स का हो जाएगा वन माइनस पाई बाय टू का हो जाएगा जीरो, पूरे के अपॉन में आएंगे, पूरे के अपॉन में टेन एक्स का, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आप देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, सोल्व क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू पॉजिटिव, ये वन अपॉन पूरे के अपॉन में क्या है, सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस पाई बाय टू किसके साथ आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस पाई बाय टू और सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां पे सेकेंड स्क्वायर, अगर इसको वन अपॉन सेकेंड को देखें तो वन अपॉन सेकेंड क्या होता है हमारे पास, कोस के इक्वल होते हैं, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू पॉजिटिव, वन अपॉन सेकेंड ये ऊपर आके बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, एक्स माइनस पाई बाय टू। अब दोबारा से लिमिट अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे साइड में, क्या रखना है, पाई बाय टू कोस नाइनटी, कोस जीरो वन होता है, कोस नाइनटी जीरो, तो ये आएगा जीरो बाय, यहाँ पे जब पाई बाय टू रखेंगे, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ये भी क्या है, जीरो। तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है जो मैंने पहले डिस्कस किया है, इसमें क्या करेंगे, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, ऊपर लिमिट सेम रहेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू पॉजिटिव, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट होगा नीचे का नीचे, ऊपर का डिफ्रेंशिएट करते हैं कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, पहले टू आगे आएगा, टू कोस एक्स, फिर कोस एक्स का करेंगे तो माइनस के साइन एक्स नीचे, एक्स माइनस पाई बाय टू, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन माइनस पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है तो उसका क्या होगा, जीरो। अब इसमें नीचे तो जीरो बनेगा नहीं, तो यहीं पे इसको सोल्व करके लिखेंगे क्या आएगा, टू कोस नाइनटी जीरो, साइन नाइनटी वन, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो अपॉन वन यानी कि जीरो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका
आंसर आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, जिसमें हमने 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हमने पढ़ा है अप्लाई एलोस्पेटर रूल। एलोस्पेटर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एलोस्पेटर रूल अप्लाई किया, उसके बाद हमने फिर से सॉल्व किया तो फिर से 0/0 फॉर्म बनी है। हमने फिर से अगेन अप्लाई एलोस्पेटर रूल किया, एलोस्पेटर रूल अप्लाई किया तो इसमें फाइनाइट वैल्यू आ गई क्या? 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।